हाय फ्रेंड, माय नेम इज आफ्ताब और आज हम सीखेंगे स्केल कमांड के बारे में और रोटेट कमांड के बारे में। दो कमांड के बारे में आज हम सीखेंगे। और इससे पहले भी मैं वीडियोस लगा चुका हूँ, लेकिन उसमें वॉइस नहीं था, इसलिए इसको दोबारा फिर से बना रहा हूँ। लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियोस को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बात करेंगे, बताएंगे स्केल के बारे में। स्केल कमांड यहाँ पे होता है, ये देखिए। जस्ट टाइप करना है, अगर आपको शॉर्ट की लेना है तो SC। ये देखिए, ये है आपका स्केल। स्केल क्लिक किया, अब ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट ब्लॉक में है। नो प्रॉब्लम, चलिए देख लेते हैं। जस्ट हमने क्लिक किया, इंटर किया, यहाँ पे क्लिक किया, कोई एक बेस पॉइंट आपको लेना पड़ेगा। अब ये आप क्लिक करके यहाँ पे मैं रख दे रहा हूँ, या आप आगे की तरफ, ये ऊपर और लेफ्ट और राइट देखिए भाग रहा है। अब आपको इसको स्केल देना है 2%, या यानी कि 2 गुना करना है कि 3 गुना करना है, या गिनती में कुछ देना है। मान लो मैं 10 इसको दे देता हूँ, ये 10 हो गया। कंट्रोल जेड यानी कि अंडू, वापस आते हैं। अब हम फिर इसको देखिए स्केल करने जा रहे हैं। स्केल के लिए यहाँ पे देखिए, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, या दूसरा ऑप्शन है राइट क्लिक, जब आप करेंगे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके, तो यहाँ भी स्केल दिखता है। ये यहाँ से भी आप स्केल ले सकते हैं। जस्ट मैंने क्लिक किया, 0.5 कर देता हूँ मैं। अगर मैं माइनस में लेता हूँ तो देखो स्केल छोटा हो जाता है। अंडू करते हैं, यानी अंडू ये होता है, ये देखिए इधर से आगे जाता है, रीडू अंडू। फिर से हम सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करके मैं स्केल कमांड में ले जाता हूँ, या आप यहाँ से स्केल कमांड में जाएं, या SC टाइप करें तो आप स्केल कमांड में चले जाएंगे। मैं इस पर क्लिक कर दिया, दूसरा ये ऑप्शन दे रहा है देखिए कॉपी का। अगर मैं C टाइप कर देता हूँ तो क्या करेगा, जो आपका पहला वाला ऑब्जेक्ट है वो उतने पे रहेगा, और वहाँ से दूसरा ऑब्जेक्ट को, मान लिया मैं 3, तो ये 3 पे इसको बढ़ा दिया, और जो आपका ओरिजिनल था वो यहीं पे रह गया। तो ये दो हो गए रास्ता। तीसरा आता है बेस पॉइंट के साथ। अब वो बेस पॉइंट के साथ किस तरह से इसकी यूज करते हैं, देखिए कि अब जैसे ये हमारे पास एक विंडो है, ये मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। स्केल कैसे करते हैं देखिए, SC इंटर, मैं इसको क्लिक करता हूँ बेस पॉइंट, इसको मान के क्लिक किया। अब ये तो ये है, अब हम क्या करते हैं, रेफरेंस यानी R इंटर टाइप करेंगे, R इंटर। अब फिर आपको कोई एक उसी जगह पे क्लिक करना होगा जिसको आपने बेस मान के रखा, क्लिक किया। अब मैं चाहता हूँ ये पॉइंट यानी सेकेंड पॉइंट, यानी फर्स्ट आपने बेस पॉइंट को ले लिया, ये मेरा सेकेंड पॉइंट, मैंने इसको क्लिक किया। अब मैं इसको देखिए ड्रैग कर रहा हूँ। अब आप इसको कहाँ लेके जाना चाहते हैं, ये देखिए इस तरह से ये भागता है, यानी रेफरेंस के साथ। इसको रेफरेंस के लिए हम लोग किस तरह से यूज करते हैं, जैसे कि वो ये है, जैसे अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, SC क्लिक फर्स्ट पॉइंट, फिर उसके बाद आपको जस्ट तुरंत टाइप कर देना है R इंटर। फिर ये देखिए कमांड से बाहर नहीं होता है, फिर से आपको बेस पॉइंट पूछता है। फिर यहाँ पे क्लिक किया, अब हमने यहाँ क्लिक किया, मैं चाहता हूँ ये कॉर्नर मेरा इस वॉल में टच हो जाए, ये मैंने टच किया। अब यहाँ से जो भी आपके पास बेस पॉइंट है वहाँ पे क्लिक कर दीजिए, तो ये चीज़ वहाँ तक पहुँच जाता है। इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। फिर से देख लीजिए स्केल, मैंने ये एक लाइन सेलेक्ट किया, इंटर किया, मैं चाहता हूँ ये जो लाइन है ये यहाँ आ जाए, तो क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया, रेफरेंस R इंटर टाइप किया, फिर उसी जगह पे क्लिक किया फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट,
अब ये आप ला के थर्ड पॉइंट पे जहाँ कहीं भी आपको ले जाना है वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक स्केल के थ्रू पहुँच गया। इस तरह से हम स्केल को यूज करते हैं। दूसरा ये है, ये एक ऑब्जेक्ट ट्री है। टाइप किया एस सी इंटर, कहीं भी बीच में क्लिक कर दिया या कहीं भी हमने टाइप कर दिया 5%, इसको बड़ा करना है। ये देखिए ये कितना बड़ा हो गया। यहाँ से ये ग्रिप होता है, यहाँ से भी आप इसको मूव करके इधर से उधर ले जा सकते हैं। फिर हमने टाइप किया एस सी इंटर, सेलेक्ट किया, इंटर किया, 0.2% मुझे चाहिए। फिर से देख लीजिए एस सी इंटर, सेलेक्ट, इंटर, कहीं भी क्लिक करेंगे 0.2, ये हो गया 0.2%। इस तरह से इसको स्केल को आप यूज करते हैं। अब आता है रोटेट कमांड। स्केल के बारे में समझ में आ गया होगा, अब आता है रोटेट कमांड जो कि ये है। यहाँ पे देखिए, और राइट क्लिक करेंगे यानी किसी चीज को सेलेक्ट करके, तब भी ये कमांड आपको रोटेट यहाँ पे भी दिखाई देगा। दूसरा है आर ओ, टाइप करेंगे तो यहाँ पे रोटेट आ जाएगा। क्लिक किया, हम कमांड में आए, हमने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, इंटर किया, कोई भी बेस पॉइंट ले लीजिए, कहीं भी क्लिक कीजिए, ये आपका रोटेट। अगर F8 ऑन है आपका, ये देखिए अब ये लेफ्ट राइट अप डाउन इस तरह से ये चलेगा। अगर F8 ऑफ है तो ये जैसे आप चाहेंगे इस तरह से काम करेगा। दूसरा ये है पोलर ट्रैकिंग ऑन है, तो देखिए आपको ये जो ग्रीन कलर का ये दिख रहा है, ये भी आपको दिखाई देगा अगर ये चीज़ आप ऑन, ये यहाँ से होता है, नहीं सॉरी, अंदर जाके यहाँ से ये चीज़ जब ऑन रहता है या ऑफ रहता है, F10 से ये काम करता है। तो वो करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे भी आप ये इस तरह से रोटेट करिए, या आप इसको अभी एंगल दे दीजिए। मान लिया मैं चाहता हूँ ये मेरा रोटेट हो जाए 45 पे, जस्ट टाइप कर दीजिए 45, लेकिन कंट्रोल जेड करता हूँ यानी कि अंडू करता हूँ। अब इसको मैं फिर से रोटेट करके दिखाता हूँ, आर ओ इंटर, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब अगर आपको इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक होता है तो एक तो हो गया -45 अगर आप देते हैं तो इधर आता है। अंडू करिए, फिर से रोटेट कमांड में जाते हैं, क्लिक करते हैं, इंटर करते हैं, कोई भी बेस पॉइंट लेते हैं, मैं इसको फिर से 45 डायरेक्ट देता हूँ, तो देखिए इधर जाता है। इस तरह से किसी चीज़ को रोटेट किया जाता है। ये देखिए ये ऑब्जेक्ट है, सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करेंगे तो ये रोटेट यहाँ पे आ जाएगा। कोई भी बेस पॉइंट आप सेंटर पॉइंट से ले लीजिए, क्लिक कर दीजिए, जैसे चाहे आप ऐसे इसको रोटेट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कॉपी का, अगर मैं सी टाइप कर देता हूँ तो वो ऑब्जेक्ट जो मेन था वो आपका वहीं पे रहेगा और दूसरा ऑब्जेक्ट कॉपी होके जिधर आप चाहेंगे उधर चला जाएगा। दो हो गया, मैं अंडू करता हूँ यहाँ से, ये देखिए। तीसरा है रेफरेंस के साथ रोटेट करना। अब मेरे पास एक लाइन है, कोई भी लाइन ऐसे ही पड़ा हुआ है, अब मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ तो आर ओ इंटर, क्लिक, फिर रेफरेंस आ जाता है आर इंटर। अब आर इंटर जब आता है तो फिर यानी कि फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट दोनों को पकड़ के फिर जिधर ले जाना हो उधर रख दीजिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये एक लाइन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये लाइन ऐसा कर देता हूँ, ये देखिए। अब यह क्या करना है, हमको रोटेट करना है तो आर ओ इंटर, बेस पॉइंट में इसको ले लेता हूँ, क्लिक किया, रेफरेंस आर इंटर, फिर वहीं पे क्लिक कीजिए,
अब कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट आपको यहाँ रखना है या इस पॉइंट को यहाँ रखना है या इस पॉइंट को किसको रखना है। मान लिया जब मैं चाहता हूँ मेरा ये वाला पॉइंट इसके पैरेलल हो जाए, तो मैं इसको क्लिक करूँगा और यहाँ पे ले जाके क्लिक करूँगा, तो देखिए इस तरह से रोटेट हो जाएगा, उसके पैरेलल हो जाएगा। दूसरा है, फिर से सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, रोटेट कमांड पे गए, मैंने फिर से क्लिक किया यहाँ पे, रेफरेंस आप दे दीजिए आर इंटर, फिर मैं वहीं पे क्लिक करूँगा, फिर मैं चाहता हूँ ये पॉइंट मेरा उठ के इसके पैरेलल हो जाए, ये इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। तो ज़्यादातर यूज जो होता है वो रेफरेंस के साथ ही होता है, स्केल और ये रोटेट दोनों में रेफरेंस जरूर लिया करें। रेफरेंस के साथ कोई भी चीज़ करेंगे तो एक्चुअल में बहुत बराबर काम होता है किसी भी चीज़ को। ये देखिए इसको सिलेक्ट किया, रोटेट करता हूँ, कोई भी बेस पॉइंट ले लीजिए, ये देखिए F8 ऑन ऑफ ध्यान रखना है, ये देखिए जैसे चाहें ऐसे आप इसको कर सकते हैं। रेफरेंस दे देंगे आर इंटर टाइप करेंगे, फिर ये पूछेगा फर्स्ट पॉइंट में इसको लिया, सेकंड पॉइंट इसको लिया, और फिर अब इसको मैं 90 पे कर देता हूँ, तो ये F8 ऑन कर लिए, ये देखिए, या आप किसी भी एंगल पे इसको रोटेट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको रोटेट और स्केल के बारे में समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट्स करें और ज़रूर उसके बारे में जो जानते हैं बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।